अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो न्यू टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है टैक्सोनॉमिक रैंक के बारे में। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो हमने उनको कुछ रैंक दिए हुए, उन रैंक के हिसाब से उनकी हमने कैटेगरी बनाई है। तो सबसे पहले जब आप किसी प्लांट को जब टैक्सोनॉमिक रैंक देते हैं या किसी एनिमल को, तो वह स्पीशीज से स्टार्ट होता है। क्या होता है बेटा? तो स्पीशी क्या होती है, याद रखिएगा, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार, वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, अगर वो सिमिलर हैं तो वो एक स्पीशी कहलाएंगे। जैसे हम यहाँ पर क्या है, सारे इंसान हैं, तो ये सारी ह्यूमन की स्पीशीज हैं। क्या है? ह्यूमन स्पीशीज। फिर यही जो स्पीशीज का ग्रुप जब मिल जाता है, तो इसको हम कहते हैं जीनस। क्या कहते हैं? और जब बहुत सारे जीनस मिल जाते हैं, तो ये फैमिली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फैमिली। और ग्रुप ऑफ फैमिलीज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्डर। और ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स मिलके क्या बनाएंगे? क्लास। और ग्रुप ऑफ क्लास मिलके फाइलम बनता है। और ये जो फाइलम या टैक्सा मिलके क्या बनाते हैं? किंगडम बनाते हैं। और ये किंगडम का सबसे जो हाईएस्ट रैंक होता है, उसको हम कहते हैं जी डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल मैं जूलॉजी से देता हूँ, ठीक है, एनिमल से। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन था, ह्यूमन की स्पीशी का हमने नाम रख दिया जी होमो सेपियन। स्पीशी क्या है? होमो सेपियन। अच्छा, इसका जीनस कहलाता है होमो। क्या कहलाता है? होमो। और फैमिली क्या है? होमिनिडी। और इनका ऑर्डर कहलाएगा प्राइमेट। और क्लास है मैमेलिया, मैमल्स, यानी जो मिल्क जो पिलाते हैं हमने बच्चों को। कॉर्डेट्स, यानी उसमें वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, जिनमें बैकबोन होती है और बैकबोन नहीं होती। और किंगडम क्या है इनका? एनिमेलिया है। और ये डोमेन इनका है जी ह्यूमन। ये प्लांट से हो गए। अब बॉटनी से, प्लांट से एक आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारे पास पी है, मटर है, इसकी स्पीशी का नाम क्या है? पीसम सैटिवम। जीनस का नाम क्या है? पीसम। फैमिली क्या है? फैबेसी। और इसका ऑर्डर फैबेल्स। क्लास मैग्नोसीडा, ठीक है, और मैग्नीलियोफाइटा, ये इसका फाइलम है। और इनका किंगडम प्लांटी है। और ये इसका डोमेन क्या है जी? पी है। तो ये आज का आपका टॉपिक क्या हो गया? क्लियर हो।